हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द लर्निंग कैपिटल में। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं जनरल साइंस प्रैक्टिस सेट बेस्ड ऑन एनसीईआरटी की अंग्रेजी सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज़ गोल्डन राइस पेल येलो इन कलर। गोल्डन राइस जो होता है वो पेल येलो क्यों होता है कलर में। तो ऑप्शन है ए रिच इन बेटा कैरोटीन, बी रिच इन फाइकोबिलिन, सी रिच इन क्लोरोफिल, डी नन। ठीक है, तो जो गोल्डन राइस होता है, देखिए ऐसा दिखता है गोल्डन राइस, दिस इज गोल्डन राइस। ठीक है, वो पेल येलो क्यों होता है। देखिए तो वो पेल येलो होता है क्योंकि उसमें बेटा कैरोटीन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, रिच इन बेटा कैरोटीन, दैट्स वाई इट्स कलर इज पेल येलो। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी ए। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है द पावर ऑफ अ लेंस इज मेजर्ड इन। एक लेंस की पावर कौन से यूनिट में मेजर होती है। तो ऑप्शन से ए डायप्टर्स, बी एन, सी ल्यूमेन, डी कैंडेला। ठीक है, तो जो लेंस की पावर, पहले बता दें कि पावर ऑफ अ लेंस क्या होती है। पावर ऑफ अ लेंस होती है रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। ठीक है, क्या होती है, वन अपॉन एफ होती है। ठीक है, क्या होती है, वन अपॉन एफ होती है। उसके जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, डायप्टर। ठीक है, डायप्टर होती है, डायप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। ठीक है, डायप्टर क्या होता है, देखिए पहले पावर ऑफ लेंस क्या होती है, वन अपॉन एफ होती है रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, और फिर उसके ऐसा यूनिट क्या होती है, डायप्टर। और डायप्टर क्या होता है, डायप्टर इज द पावर ऑफ अ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। ठीक है, और तो इसका सही जवाब क्या होगा, ए, राइट आंसर विल बी ए। ठीक है, एक चीज़ और देख लीजिए, कॉन्वेक्स लेंस की जो पावर लेते हैं उसको पॉजिटिव लेते हैं, और कॉनकेव लेंस की जो पावर लेते हैं उसको नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, दिस इज पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, ए विल बी द राइट आंसर। चल लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी लेयर्स ऑफ स्किन डज ह्यूमन हैव। ऑप्शन है ए वन, बी टू, सी थ्री, डी फोर। ठीक है, तो एक स्किन में एक ह्यूमन में कितनी लेयर्स ऑफ स्किन होती हैं, होती हैं 3 लेयर्स ऑफ स्किन। ठीक है, हाउ मच लेयर्स ऑफ स्किन, 3 लेयर्स ऑफ स्किन। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और सबकेंटियस टिश्यू। ठीक है, एपिडर्मिस, डर्मिस और सबकेंटियस टिश्यू। ठीक है, दिस इज द ह्यूमन स्किन। ठीक है, उसमें कितनी लेयर होती है, 3 लेयर होती है। कौन कौन सी, एपिडर्मिस, डर्मिस और सबकेंटियस टिश्यू। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी 3, देर आर 3 लेयर्स ऑफ स्किन इन अ ह्यूमन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट इज, सबसे तेजी से उगने वाला प्लांट कौन सा है। तो ए अशोका, बी बनियान, डी यूकेलिप्टिस, डी रोज। ठीक है, तो देखिए ये जो ट्री बना हुआ है ये कौन सा ट्री है, सबसे तेज ये उगता है ये ट्री। ठीक है, इस ट्री को क्या बोलते हैं, इस ट्री को बोलते हैं यूकेलिप्टिस। ठीक है, यूकेलिप्टिस इज द राइट आंसर। ठीक है, दिस इज हाउ अ यूकेलिप्टिस लुक्स, इट इज़ वेरी टॉल। तो सबसे तेज ग्रो करने वाला प्लांट कौन सा है, यूकेलिप्टिस। ठीक है, राइट आंसर विल बी सी। चलिए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की रिफाइनिंग में पहला कदम कौन सा होता है, पहला स्टेप कौन सा होता है। तो ऑप्शन से ए डिस्टिलेशन, बी कुकिंग, सी ड्रिलिंग, डी क्रैकिंग। ठीक है, तो जो पहला स्टेप होता है तो जो पेट्रोलियम रिफाइनिंग का वो कौन सा होता है, वो होता है डिस्टिलेशन। कौन सा होता है, डिस्टिलेशन। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी ए। ठीक है, तो देखिए पेट्रोल को डिफरेंट बार बार रिफाइन किया जाता है, तो सबसे पहले जब रिफाइन होता है तो उससे यह निकलता है लुब्रिकेटिंग ऑयल, फिर निकलता है हीटिंग ऑयल, फिर केरोसिन और फिर गैसोलीन, लास्ट में निकलता है पेट्रोलियम गैस। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी ए, द फर्स्ट स्टेप इन द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इज डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, डिस्टिलेशन। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है हु इज़ द फादर ऑफ टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर के पिता किसको माना जाता है। तो ऑप्शन से ए गॉथेरेट, बी हेबरलैंड, सी बॉनर, डी लाइबाच। ठीक है, तो ये जो शख्स बने हुए हैं ही इज़ कॉल्ड एज द फादर ऑफ टिश्यू कल्चर, और उनका नाम क्या है, उनका नाम है हेबरलैंड। ठीक है, हेबरलैंड। ठीक है, राइट आंसर विल बी दी बी। ठीक है, राइट आंसर विल बी बी। तो ये जो शख्स बने हैं उनका नाम क्या है, हेबरलैंड। ठीक है, एंड ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ टिश्यू कल्चर। ठीक है, सेवन क्वेश्चन कह रहा है, सेवन क्वेश्चन क्या कह रहा है, वॉट इनविजिबल फोर्स होल्ड्स यू ऑन टू द अर्थ सो दैट यू डोंट सिंपली फॉल ऑफ। ठीक है, तो आपको कौन सा इनविजिबल फोर्स पकड़ के रखा है अर्थ के अंदर जो कि आपको गिराता नहीं है। तो ऑप्शन है ए ग्रेविटी, बी मैग्नेटिज्म, सी विंड, डी स्पीड। ठीक है, तो जो ग्रेविटी होती है वो आप एक इनविजिबल फोर्स है जो आपको पकड़ लेती है और जो आपको गिरने से बचाती है। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी ए। ठीक है, जो सैटेलाइट होती हैं, देखिए आप सैटेलाइट देखते हैं वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स में घूमती रहती हैं, वो उनको स्पेस में जाने से बचाता है। ठीक है, वो कौन सा फोर्स होता है, वो ग्रेविटिज्म होता है। ठीक है, ग्रेविटी होती है। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी ए। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, एट्थ क्वेश्चन कह रहा है
द गैस प्रीडोमिनेंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग इज, ठीक है, जो गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे रिस्पॉन्सिबल होती है कौन सी होती है, तो ऑप्शन है ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी नाइट्रोस ऑक्साइड, सी नाइट्रोजन परऑक्साइड, डी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग किससे होती है, सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होती है कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू, और कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कहाँ से होती है, मोस्टली इंडस्ट्रीज से होती है, दिस इज द चिमनी ऑफ इंडस्ट्री, उससे क्या निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी डी, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है। ठीक है, चले देते नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ वन बेनिफिट ऑफ लाइफ लॉन्ग फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, अगर आप जिंदगी भर आप एक्सरसाइज करते हैं, डेली एक्सरसाइज करते हो, सुबह योगा वगैरह करते हो, तो उससे क्या होता है, ठीक है, उसका बेनिफिट क्या होता है। ऑप्शन है ए हाई ब्लड प्रेशर, बी इंक्रीज इन हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, सी हाई साइकोलॉजिकल एज, डी प्रिवेंशन ऑफ वेट गेन। ठीक है, तो अगर आप फिजिकल एक्टिविटी डेली करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे होता है क्या, हाई साइकोलॉजिकल एज। ठीक, क्या होता है, हाई साइकोलॉजिकल एज। ठीक है, आपका दिमाग तंदुरुस्त रहता है, ठीक है, हाई साइकोलॉजिकल एज। ठीक है, राइट आंसर विल बी सी, दीज आर सम ऑफ द एक्टिविटीज विच यू कैन डू। टेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेंथ क्वेश्चन कह रहा है व्हाट कलर डज येलो एंड ग्रीन मेक। ठीक है, अगर अपन येलो और ग्रीन को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, क्या बनेगा, तो ऑप्शन है ए लाइम, बी ओशन मिस्ट, सी मरून, डी टैंगरीन। तो दिस इज द ग्राफ, दिस इज द पिक्चर। ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हैं वीडियो वॉश करके, इसमें आपको बताएगा मेन कलर, सेकेंडरी कलर और थर्ड कलर, तीनों मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा। देखिए, जैसे रेड व्हाइट प्लस ऑरेंज करेंगे तो वाटरमेलन बनेगा, येलो ऑरेंज प्लस व्हाइट करेंगे तो सनफ्लावर बनेगा। तो देखिए, जैसे लाइम कैसे, ये येलो और ग्रीन कैसे बनेगा, देखिए येलो और ग्रीन, ठीक है, येलो ग्रीन कहाँ पे है, ये देखिए येलो और ग्रीन को मिक्स करेंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा, लाइम बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, लाइम बनेगा, तो राइट आंसर विल बी ए। ठीक है, दिस इज द होल चार्ट, ये चार्ट पे बेस्ड है, ठीक है, क्वेश्चन, तो ये क्या है, मिक्सिंग कलर चार्ट है। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी लाइम। ठीक है, इलेवंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वन विहार नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, स्थापित है। ऑप्शन है ए तेलंगाना, बी मध्य प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी बिहार। ठीक है, तो जो वन विहार नेशनल पार्क है वो कहाँ स्थित है, वो स्थित है आपके अपने प्रदेश मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी मध्य प्रदेश। ठीक है, दिस इज द बोर्ड जो कि बाल लगा हुआ है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी बी, वन विहार नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट, इन मध्य प्रदेश। ठीक है, ये लोकेलिटी की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, तो देख लेगा, बाकी राइट आंसर है बी। ट्वेल्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्वेल्थ क्वेश्चन कह रहा है पर्सन विथ विच ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर्स। ठीक है, कौन से ब्लड ग्रुप के पर्सनस को यूनिवर्सल डोनर्स बोला जाता है, तो ऑप्शन है ए ए बी, बी ए, सी ओ, डी बी। ठीक है, तो जो यूनिवर्सल डोनर्स होते हैं, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, जो यूनिवर्सल डोनर होते हैं वो होते हैं ओ पॉजिटिव वाले। ठीक है, जो ओ जिनका ब्लड ग्रुप रहता है ओ पॉजिटिव, वो यूनिवर्सल डोनर्स होते हैं, वो किसी को भी ब्लड दे सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी ओ। ठीक है, ओ दैट मीन्स सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए इतने थर्टीन क्वेश्चन। थर्टीन क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, इकोसॉक, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, कहाँ पे है इकोसॉक का हेडक्वार्टर, तो ऑप्शन है ए बर्लिन, बी स्पेन, सी लंडन, डी न्यूयॉर्क। ठीक है, तो जो इकोसॉक जो एक संस्था है जो इकोनॉमिक और सोशल मुद्दों को देखती है, यूनाइटेड नेशंस की संस्था है, तो वो कहाँ पे है उसका हेडक्वार्टर, जो उसका हेडक्वार्टर है वो है इस न्यूयॉर्क में। कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। ठीक है, कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। ठीक है, अमेरिका में है, न्यूयॉर्क में। ठीक है, राइट आंसर विल बी डी। ठीक है, इकोसॉक ऐसा लोगो है, ठीक है, उसका यूएन का एक पार्ट है इकोसॉक, तो राइट आंसर विल बी डी। चले देते 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नॉन ग्रीन हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स ऑफ प्लांट किंगडम आर। ठीक है, जो नॉन ग्रीन होते हैं और हेटरोट्रॉफिक प्लांट होते हैं प्लांट किंगडम के, वो क्या होते हैं, ए एल्गी, बी फंजाई, सी फर्न्स, डी बोथ बी एंड सी। ठीक है, तो एल्गी तो ग्रीन ही होती है। ठीक है, तो इसने पूछा नॉन ग्रीन हेटरोट्रॉफिक प्लांट ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा फंगाई। ठीक है, व्हाइट कलर की होती है, फंगाई इज अ नॉन ग्रीन हेटरोट्रॉफिक प्लांट ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, तो दिस इज हाउ अ फंजाई लुक। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी बी। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन। आज का आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच इंसेक्ट सेट्स ऑन अनकवर्ड फूड। ठीक है, अगर खाना ऐसे बिना किसी ढकी हुई चीज़ के रखा हुआ है तो कौन सा इंसेक्ट उसमें आके बैठ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन है ए बीज, बी फ्लाइज, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो जब अनकवर्ड फूड रहेगा तो उसमें कौन सा मक्खी, कौन सा इंसेक्ट आके बैठेगा, तो ऑप्शन है ए, ऑप्शन राइट ऑप्शन क्या है, बीज एंड फ्लाइज दोनों आके बैठ सकती हैं। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी बोथ ए एंड बी, सी इज राइट आंसर। वो क्या करती हैं, खाने के ऊपर बैठती हैं और खाने को कंटेमिनेट कर देती हैं, इट कंटेमिनेट्स द फूड। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी सी, दिस इज अ फ्लाई। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। तो ये था आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को देखने के लिए जो कि एनसीईआरटी पे बेस्ड रहते हैं, जनरल साइंस प्रैक्टिसर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए। आज का हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।